वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी पार्ट चैप्टर नंबर 2 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट नंबर 2। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हम पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांटेशन। नाउ वी डिस्कस द टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, ये जो नेचुरल वेजिटेशन हमारी होती है, जो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ होती है, इनमें कौन कौन से ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अफेक्टिंग करते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल आपका अफेक्टिंग होगा जो वेजिटेशन है, कि वेजिटेशन के कौन कौन से जो ऐसे जो कॉजेज हैं जो उसको इफेक्टिंग करते हैं। तो मोस्टली देर आर द टू टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। वन इज द रिलीफ एंड सेकेंड इज द क्लाइमेट। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है रिलीफ। रिलीफ के भी हमारे दो इसके सब कॉजेज हैं, जब सब टू इसके सब पार्ट्स हैं। वन इज द लैंड और वन इज द सॉइल। सबसे पहले देखते हैं कि रिलीफ, व्हाट इज द रिलीफ। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं रिलीफ। रिलीफ को हिंदी में कहते हैं हम उच्चावर, कि जैसे ये हमारी लैंड है, ये लैंड के ऊपर जो भी है, जैसे कुछ प्लांट्स है, कुछ हमारे माउंटेन्स है, कुछ हमारे प्लेटूज है, ये सभी क्या है, ये दीज आर द कॉल्ड ऑफ द रिलीफ। जब हमारी जो लैंड है, लैंड सरफेस पे अगर प्लांट्स है या माउंटेन्स है या हमारे प्लेटूज है, ये सभी क्या है, ये रिलीफ है। तो ये रिलीफ है, इसको हम बोलेंगे रिलीफ या उच्चावर। तो उसमें हम देखते हैं रिलीफ के अंदर, उसमें भी टू पार्ट्स हैं, लैंड एंड सॉइल। वी कैन से द लैंड एंड सॉइल इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिलीफ। वी कैन से द लैंड एंड सॉइल इज द कंपोनेंट्स ऑफ द रिलीफ। ये हमारे रिलीफ के दो कंपोनेंट्स हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि लैंड और सॉइल एक है, बट लैंड एंड सॉइल इज डिफरेंट। देखने में ऐसे लगते हैं लैंड और जैसे भूमि और मिट्टी एक है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो अभी जैसे हमारा सरफेस के ऊपर ये हो सकता है, जैसे प्लांट्स है, ये हमारा प्लेटूज है, या ये हमारे माउंटेन्स है। अब ये जो क्षेत्र है, जो कि आपका सरफेस के ऊपर है, चाहे वे आपका लैंड वाला पार्ट्स में आपका प्लेटू हो सकता है, प्लेन हो सकता है, और उसके साथ में माउंटेन हो सकता है, तो उनको तो हम ग्रुप में एक लैंड बोल सकते हैं, लैंड बोल। लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है, जैसे लैंड में आपके माउंटेन्स में अलग टाइप की सॉइल मिलेगी, आपको प्लेटू में अलग सॉइल मिलेगी, प्लेन्स में अलग मिलेगी, तो उसमें अलग अलग सॉइल मिल सकती। हो सकता है वहां एलुवियल सॉइल किसी क्षेत्र में, जो आपका रिवर वाले क्षेत्र में आपका एलुवियल सॉइल हो सकता है, सैंडी सॉइल डेजर्ट्स में हो सकती है आपकी, उसी प्रकार से आपका जैसे ब्लैक सॉइल हो सकती है प्लेटू वाले क्षेत्र में। तो सॉइल्स और लैंड्स हैव ए डिफरेंट से पार्ट्स, ओके। तो लैंड्स और हम सॉइल को जनरली एक मीनिंग में बोल देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन द लैंड। जैसे लैंड है माउंटेन, प्लेटू और प्लांट्स, इसको हम एक ग्रुप में हम कह सकते हैं कि दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द लैंड्स, वी कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड। लैंड के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं माउंटेन्स, प्लेटू। जैसे अगर हम इंडिया का देखते हैं मानचित्र में, तो इंडिया का जो क्षेत्र में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। जैसे माउंटेन्स नॉर्थन हिमालय में लेते हैं तो माउंटेन क्षेत्र है, उस जो हिमालय माउंटेन्स है उसको भी उसको थ्री पार्ट से बांटा है, जैसे ग्रेटर हिमालय आपका है ना, लेजर हिमालय, और उसके बाद में जैसे हमारा शिवालिक वाला पार्ट है, तो ये है हमारा जैसे माउंटेन्स वाला, तो वहां पर निश्चित रूप से अलग अलग उसका पार्ट होगा। इसी तरह से प्लेटू जो क्षेत्र है, जैसे प्लेटू वाला क्षेत्र, जैसे हमारा नागपुर का प्लेटू है, विंध्याचल वाला प्लेटू जो क्षेत्र है, ये प्लेटूज है। तो इस प्लेटू जो क्षेत्र है, इसकी जो स्ट्रक्चर है,
आपकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जो आपकी एक संरचना है किसकी उच्चावच की, जो भी डिफरेंट टाइप्स है कि जो प्लेटू है नीचे से आपका हाइट उठा हुआ और ऊपर से टेबल जैसा जो बना होता है, ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। प्लेन्स, तो उसे प्लेन्स एरिया है। इस प्रकार से माउंटेन्स के जो अलग रीजन्स है, माउंटेन्स के जैसे नॉर्थन हिमालय में माउंटेन्स वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद में जैसे उसकी सदर पार्ट से जैसे हमारा झारखंड का प्लेटू है, गंगा जल वाला क्षेत्र है जो मालवा का प्लेटू के नाम से जाना जाता है, और ये प्लेटू से तो इसकी आपकी जो स्ट्रक्चर है वे माउंटेन से डिफरेंट है, क्योंकि इनकी जो हाइट्स है वे माउंटेन से लेजर होती है, कम होती है, लेस देन कम होती है। इसी प्रकार से प्लेन्स वाला देखेंगे, जो ये हमारा जो क्षेत्र है प्लेन्स वाला, जो गंगा और यमुना जो हमारा जो क्षेत्र है, जब ब्लोइंग ऑफ द रिवर्स द डिपोजिट ऑफ द एलिवेल सॉइल्स वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा प्लेन्स है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिलीफ जो क्षेत्र है, रिलीफ की जो स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट एरिया में मिलती है, कि कहीं पर हिमालय माउंटेन्स जैसे इंडिया में देखा हिमालय माउंटेन्स का अलग है, उसके बाद जैसे हमारे प्लेटू का क्षेत्र अलग है, प्लेन्स का अलग है। ये था हमारा लैंड वाला। अब देखते हैं सॉइल। सॉइल जब इंडिया में जिस प्रकार से उसके स्ट्रक्चर डिफरेंस क्षेत्र में है, तो उसकी सॉइल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पाई जाती है। इंडिया इज ए वॉस्ट कंट्री, तो उसका जो क्षेत्र है उसमें डिफरेंट टाइप के सॉइल्स भी उसमें फाइंड होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स है वे डिफरेंट टाइप की हमको वेजिटेशन मिलेगी, क्योंकि जो सॉइल्स है वे उसको इफेक्ट करती है उसकी नेचुरल वेजिटेशन को। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर को हमारी जो सॉइल्स है वे उसको अफेक्टिंग करती है, उसी प्रकार से जो वेजिटेशन है उसको भी डिफरेंट टाइप की उसको कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिवेल्स और डेल्टल सॉइल्स, जैसे एलिवेल और जो आपकी डेल्टल जो सॉइल्स है, अगर इंडिया का देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है नॉर्थन प्लेन्स वाला जो क्षेत्र है एलिवेल सॉइल्स है, और ये जो आपका डेल्टा क्षेत्र जो है आपका वेस्ट बंगाल के पास में, इसमें अगर देखते हैं तो एलिवेल और डेल्टल सॉइल्स का यहाँ पर मैग्रोव फॉरेस्ट सबसे अधिक पाए जाते हैं, मैग्रोव फॉरेस्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्लोप ऑफ द हिली एरिया देखते हैं, और हम हिली एरिया से देखते हैं माउंटेन्स वाले क्षेत्र में देखते हैं, तो वहाँ कॉनिकल स्ट्रेट्स जो हम जिसे शंकुधारी वन भी कहते हैं, तो स्लोप ऑफ द हिली एरियाज द फाउंड्स ऑफ द कॉनिकल ट्रीज, जो क्योंकि वहाँ पर जिस वजह से सदर पार्ट्स के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ जो सॉइल्स है वो भी अलग हो जाती है। इसी प्रकार से सैंडी सॉइल्स, सैंडी सॉइल डेजर्ट्स, जैसे अगर हम इंडिया का जो ये देखते हैं डेजर्ट्स वाला देखते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं, जो हमारा थार का डेजर्ट्स है, थार रेगिस्तान है, तो सैंडी सॉइल्स होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कैक्टस और हमारे को बुशेज मिलेंगे, कैक्टस और बुशेज मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हम सोइल जो है, सोइल से भी हमारे जो नेचुरल जो वेजिटेशन है ये भी डिफरेंस मिलती है, और उनके साथ में जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ भी उसको डिफरेंस मिलेगी। जैसे अगर डेजर्ट्स है यहाँ पर कैक्टस और बुशेज मिलते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, कैक्टस मिलेंगी, तो इस प्रकार से जो एनिमल्स है वे भी छोटे मिलेंगे, आपके बिल्कुल छोटे मिलेंगे। जिराफ है जैसे, जैसे आपका कैमल्स है, आपका रेबिट्स है ना, रैट्स है, इस प्रकार से। लेकिन इसी प्रकार अगर हिमालय माउंटेन्स में जाते हैं और जहाँ वन बहुत अधिक है, तो उस क्षेत्र में आपके बड़े बड़े जानवर्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, जैसे टाइगर है, लायंस है, लिपर्ड्स आदि नेचुरल एनिमल्स है। तो वाइल्ड लाइफ भी उसकी नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग और जो सॉइल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज होता है, क्योंकि सॉइल्स के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन चेंज हो रही है, कि कहीं पर तो गहन वेजिटेशन हो गई और कहीं पर स्लो, स्लो अगर कम गहरी मिलेगी तो वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही वाइल्ड लाइफ भी वहां पर मिलेगी, तो ये उसमें चेंज होता है। डेजर्ट्स कैक्टस एंड द थॉर्न। अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं क्लाइमेट। सेकंड जो पॉइंट है हमारा क्लाइमेट है, कि क्लाइमेट किस प्रकार से अफेक्टिव करता है। क्लाइमेट में जैसे हम कहते हैं हिंदी में जलवायु, क्या बोलते हैं जलवायु, ये नहीं है कि जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में उसको पढ़ा था क्लाइमेट्स वाला, कि क्लाइमेट उसकी हम इलिमेंट्स है, हमें क्लाइमेट को क्लियर कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो हमारे जो क्लाइमेट है वे भी चेंजिंग करती है। तो सबसे पहले क्लाइमेट के अंदर थ्री फैक्टर्स हैं इसके हमारे,
three components है. Number first is the temperature, second the photoreact that is called the sunlight, and third the precipitation that is called the rainfall. ये जो हमारे क्लाइमेट्स की जो कंपोनेंट्स है, जिस प्रकार से हमारे रिलेटेड टू कंपोनेंट्स थे लैंड और सॉइल, इसी प्रकार से क्लाइमेट्स की जो कंपोनेंट्स है, हमारे क्लाइमेट की जो कंपोनेंट्स है, ये है आपके टेम्परेचर तापमान और फोटो पीरियड सनलाइट एंड प्रिसिपेशन रेनफॉल. अब हम उनको देखते हैं वन बाई वन को देखते हैं. जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो किस प्रकार से ये इसको इफेक्ट करता है. सबसे पहले वन बाई वन को हम डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट है आपका टेम्परेचर. फर्स्ट जैसे टेम्परेचर, ये निश्चित है टेम्परेचर में कि जैसे जैसे हमारा ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोबस है, इसके अंदर 0 डिग्री लैटिट्यूड से दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर, और ये हमारा सूरज है. सूरज है जिसकी जो सन है, सन ये हमारा सन है और ये ग्लोब है, तो निश्चित रूप से जो सन रेजेज है इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्टेड होगी 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री आपका हम कह सकते हैं. इसके जो बीच का जो पार्ट्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट अधिक होगी. मोस्टली 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा. जैसे जैसे हाई इसकी लैटिट्यूड्स की ओर हम और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा. जैसे ये हमारा नॉर्थन पोल है और ये सदर्न पोल है, तो इसी प्रकार से जो वेजिटेशन है जिस क्षेत्र में सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिलेगा और तो निश्चित रूप से प्रॉपर तरीके से सनलाइट होने से उसकी ग्रोथ अधिक होगी, और जहां पर सनलाइट कम होगा तो निश्चित रूप से वहां की ग्रोथ अधिक होगी. तो जैसे जैसे आगे की ओर रेंज करेंगे कि इसको हम जो हमारे जो कहता है कि लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड जो है, लैटिट्यूड और जो एल्टीट्यूड है जो ऊंचाई है वे हमें इसको प्रभावित करेंगे. कह सकते हैं कि जो हाई लैटिट्यूड्स है, हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर टेम्परेचर जो है लो होता है, और लो होने के कारण उसका वेजिटेशन इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता. जैसे एनसीईआरटी टेस्ट के अगर हम टेबल्स देखते हैं तो टेबल्स में देखते हैं टेम्परेचर का, जैसे अगर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेजिटेशन से आपकी वेजिटेशन जोन बना हुआ है. वेजिटेशन जोन के ऊपर बाद में देखते हैं एनुअल रेनफॉल के आगे देखते हैं तो जनवरी का टेम्परेचर देखते हैं, जनवरी टेम्परेचर, और जनवरी टेम्परेचर बाद में देखते हैं कि क्या रिमार्क क्या है. तो जैसे एनसीईआरटी की बुक्स का देखते हैं तो जैसे ट्रॉपिकल, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल वेजिटेशन से अगर हम देखते हैं तो एनुअल रेनफॉल देखते हैं तो ट्रॉपिकल जो इससे उष्ण कटिबंधीय मानसून ही कहते हैं उसका एनुअल रेनफॉल देखते हैं तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस अपर टेम्परेचर मिलता है एनुअल रेनफॉल. और इसी रेनफॉल को इसी टेम्परेचर को जो तापमान है ट्रॉपिकल वेजिटेशन में अगर हम एनुअल टेम्परेचर को देखते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस. लेकिन इसी टेम्परेचर को हम जनवरी में देखते हैं तो जनवरी के अंदर ये जो टेम्परेचर है ये 18 डिग्री सेल्सियस अब मिलता है 18 डिग्री. और अगर रिमार्क्स देखते हैं तो रिमार्क्स में नौ फ्रॉस्ट होता है, नौ फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट माने होता है एक तरह से कोहरा पड़ना, या उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई स्नोफॉल वगैरह नहीं होती, इससे ना हो. ट्रॉपिकल से अगर हम देखते हैं जैसे सब ट्रॉपिकल देखते हैं तो सब ट्रॉपिकल से देखते हैं तो टेम्परेचर यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है. और जनवरी के जिस टेम्परेचर देखते हैं तो जनवरी का टेम्परेचर 10 to 18 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है. और रिमार्क में देखते हैं तो मोस्टली रेयरली कोई केस होता है, कभी कभी होता है कि वहां पर
फ्रॉस्ट हो सकता है, नहीं मौसम उसमें फ्रॉस्ट की कंडीशन नहीं होती। इसी वजह से सब लोग टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर में देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि टेम्परेचर होना 77 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जनवरी में जो टेम्परेचर डाउन होता है तो -1 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस, और निश्चित रूप से जो हमारा फ्रॉस्ट है भी तेजी से होगा, फ्रॉस्ट अधिक मिलेगा और स्नोफॉल भी होगी, क्योंकि विंटर है तो विंटर में स्नोफॉल भी। इसी प्रकार से अल्पाइन में देखते हैं, जो अल्पाइन जो हमारा अल्पाइन ट्रीज है, अल्पाइन ट्रीज है क्योंकि हाई लैटिट्यूड से मिलता है, जैसे आपको बताया कि ये सीधी है, हाई जो लैटिट्यूड है वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो अल्पाइन से देखते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है कि 7 डिग्री ब्लॉक से मिलता है, और जनवरी में टेम्परेचर -10 से उससे भी और डाउन हो जाता है, और यहाँ पर जो स्नोफॉल यानी तेजी से स्नोफॉल और फ्रॉस्ट जो है मिलता है। तो ये कंडीशन से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड्स और हम आगे की ओर एल्टीट्यूड में बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी वहाँ आगे की ओर डाउन होता है। तो किसी भी जो नेचुरल वेजिटेशन है उस नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड हमारा फोटो पीरियड टेम्परेचर होगा, उसके बाद फोटो पीरियड सनलाइट जैसे भी पढ़ते थे, ये सनलाइट से 0 डिग्री पर ट्रेंड्स है सनलाइट में, कि जैसे जैसे सनलाइट डायरेक्टली होगा तो निश्चित रूप से वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर यहाँ पर अधिक होगा तो निश्चित रूप से वेजिटेशन की ग्रोथ अधिक होगी, और जो सनलाइट नहीं होगा तो वहां पर जो हमारी वेजिटेशन है वे नहीं होगी। जैसे नॉर्थन पोल और सदर्न पोल के ऊपर सनलाइट जो है यहाँ पर कम होगी, क्योंकि जो इक्वेटर होगा जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या कि जो स्ट्रक्चर है जियोल टाइप के, उससे सनलाइट पूरे एरिया के ऊपर इक्वल नहीं होता है। जैसे फोटोपीरियड सनलाइट वार्म रीजन्स प्लांट्स ग्रोथ इज फास्टर, जो जो क्षेत्र वार्म होंगे, जैसे मैंने सनलाइट इधर हो गया, ये जो क्षेत्र होगा आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसके 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ जो पार्ट्स है ये सबसे हीटेड एरिया है। 0 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के 5 डिग्री आपके जो सदर्न पार्ट्स है ये सबसे हीटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल सबसे अधिक होगी, तो निश्चित रूप से इस रीजन में टेम्परेचर अधिक होगा, और जिस क्षेत्र में सनलाइट कम होगी, क्योंकि जैसे अर्थ हमारा मूवमेंट होता है, अर्थ जो मूवमेंट इस प्रकार से होता है, पहले पढ़ते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और सन अपनी जगह पर डिफ्लेक्शन होता है तो सन के कारण तो टेम्परेचर चेंजिंग होता है, तो जिससे इसका जैसे फोटोपीरियड सनलाइट वार्म एरिया रीजन प्लांट ग्रो इज द फास्टर ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश एक लंबे समय तक रहेगा और पर्याप्त उसको सनलाइट मिलेगी तो निश्चित रूप से भी प्लांटेशन में ग्रोथ अधिक होगी देन द लेजर ऑफ द सनलाइट लेस ऑफ द सनलाइट कह सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, जैसे भारत का अगर सदर्न पार्ट है हिमालय जो माउंटेन्स का जो क्षेत्र है हिमालय माउंटेन्स का, ये जो आप थ्री उसके टाइप बता दें ग्रेटर हिमालय लेजर हिमालय और जो शिवालिक है, तो कहते हैं सदर्न पार्ट है सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय थिंकर वेजिटेशन, यहाँ पर आपको वेजिटेशन कम मिलेगी जो आपका जो सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय जो हिमालय के जो सदर्न पार्ट्स है उसमें थिंकर वेजिटेशन मिलेगी बजाय नॉर्थन स्लोप ऑफ द हिमालय, और नॉर्थन स्लोप जो हिमालय है वहां पर सनलाइट पर्याप्त से होने के कारण अधिक वहां पर वेजिटेशन प्राप्त होगी, घनी सघन होगी और अधिक उसमें बढ़ने वाली। उसके बाद देखते हैं प्रिसिपिटेशन को कहते हैं रेनफॉल, क्या बोलते उसको प्रिसिपिटेशन से रेनफॉल, जिस प्रकार से टेम्परेचर और हमारा जो फोटो पीरियड सनलाइट है
जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जाता है। इस प्रकार से जो प्रेसिपिटेशन है वे भी रेनफॉल यानी कि डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के साथ देखते हैं, इंडिया का हम देखते हैं तो इंडिया का जो क्षेत्र है, तो इंडिया का जो नॉर्थन ईस्ट पार्ट है और हमारा जो वेस्टर्न घाट है, इसमें रेनफॉल सबसे अधिक होती है। और वेस्टर्न घाट के भी वेस्टर्न पार्ट में अधिक रेनफॉल होती है और वेस्टर्न घाट के जो ईस्टर्न पार्ट में वहाँ लो रेनफॉल होती है। इस हिसाब से यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, क्योंकि यहाँ मई और जून जो हमारा मानसून सीजन है उस समय ईस्टर्न घाट में वर्षा नहीं हो पाती, केवल जो विंटर टाइम में जो रेनफॉल होती है उनसे हमारे इससे रेनफॉल होती है। तो उससे भी हमारे रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी चेंज। जैसे अगर हम देखते हैं कि मेघालय का जो क्षेत्र है मासिन राम और जो चेरापूंजी, मासिन राम इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कि मासिन राम जो क्षेत्र है हमारे मेघालय में जो वर्ल्ड की सबसे अधिक रेनफॉल होती है, वहां पर वेजिटेशन कितनी संख्या में डिफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए वहां एनिमल्स भी बहुत अधिक है, बड़े बड़े जानवर। अगर उसकी कंपेयर करते हैं हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज कॉल्ड द थार रेगिस्तान, तो थार के रेगिस्तान में तो हमारे 20% से ब्लॉक रेनफॉल होती है, तो इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी एक कैक्टस और बुशेज मिलती है। जबकि इस क्षेत्र में हम देखते हैं तो रेनफॉल अधिक होती है, तो इस क्षेत्र में यहाँ से बहुत अधिक जैसे आपके मोगनी रोजवुड है ना, सिंकोना जैसे जो वृक्ष हैं पेड़ हैं ये मिलते हैं। तो रेनफॉल भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से डेल्टाई क्षेत्र में देखते हैं तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर अधिक और अच्छी वनस्पति मिलती है, और जबकि ईस्टर्न घाट में कम। इसी प्रकार से डेल्टाई क्षेत्र में अधिक रेनफॉल होने के कारण बहुत अधिक और सुंदरबन जैसे क्या ही ट्री मिलते हैं। प्रेसिपिटेशन हैवी रेनफॉल डेनिस वेजिटेशन, कि जिस क्षेत्र में भारी वर्षा होगी निश्चित रूप से वहां पर वेजिटेशन भी आपकी सघन होगी, डेंसर वेजिटेशन देन द लेजर रेनफॉल। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वेजिटेशन भी कम होगी, छिछली होगी, और वहां पर हैवी रेनफॉल वाले में जो क्या आपकी डेंसर आपकी सघन बन सकती मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो आपका साउथ वेस्ट जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट में इंडिया में हमारा चलता ही साउथ वेस्ट मानसून, इस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून रेन्स ऑन द वेस्ट साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट कॉजिंग ए हैवी ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदा हरा भरा, एवरग्रीन ना तो सदा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि रेनफॉल उसको अधिक मिल जाती है, टेम्परेचर भी अधिक मिल जाता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज रिजल्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, अधिक तापमान और अधिक वर्षा से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। देयर वेयर द लैंड लीवार्ड, और जो लीवार्ड वाला क्षेत्र है जो वर्षा से कहीं क्षेत्र रह जाता है, जो कौन मुखी क्षेत्र कहते हैं, कि जैसे ये क्षेत्र हमारा इंडिया का जो पार्ट है जैसे ये जैसे इंडिया का हमारा पार्ट है जो कौन सा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है ये आपका लीवार्ड्स है, पवन मुखी ढाल है। जैसे जैसे विंड्स ब्लोइंग होती है तो उसकी जो मॉइस्चर है वेंट्स भी खत्म हो जाती है और उससे रेनफॉल कम होती है, सूखा क्षेत्र हो जाता है, जिससे अवर लीवार्ड साइड में डज नॉट द हैवी एनी सच फॉरेस्ट, तो इस क्षेत्र में हैवी वेजिटेशन नहीं है। तो ये फैक्टर्स थे हमारे को फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, कि वेजिटेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्टिंग कर रहे हैं, न केवल आपको वेजिटेशन को अफेक्टिंग करते हैं, ये एनिमल्स जो हमारे वाइल्ड लाइफ को भी इसको अफेक्टिंग कर रहे हैं। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो वेजिटेशन के अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स थे उसमें टू थे, वन था रिलीफ में भी उसके सब टाइप्स कह सकते हैं कि रिलीफ के टू कंपोनेंट्स होते थे लैंड एंड सॉइल, और सेकेंड था क्लाइमेट, और क्लाइमेट के तो थ्री कंपोनेंट थे टेम्परेचर फोटोपीरियड जिसको हम सनलाइट कहते हैं सूर्य के प्रकाश और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल। तो इस फैक्टर को इससे हम कह सकते हैं किस प्रकार से हमारे यानी इंडिया की जो
जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है उसको इफेक्टिंग करती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप इसको कमेंट्स करना, अगर लाइक अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। आप और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।